के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं लियाकत नवाब पलारी साहब के साथ जो कि बिजनेस मैन है और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले इससे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो है महंगाई उसके, कह, उसके बारे में ये कहते हैं और उसके बाद आज सबसे बड़ी बात यह है कश्मीर डे है पाँच फरवरी है हम कश्मीरियों भाइयों को जो है ना वो साथ देते हैं उनके साथ एक जग चेती का करते हैं उस बारे में ये अपने कोई व्यूज़ देंगे वो भी हम रिकॉर्ड्स करेंगे और ख़ास तौर पर इस वक्त हमकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे कर रहे हैं का हुकूमत पाकिस्तान कुछ सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है इस हवाले से कि सिर्फ़ टैक्स ही दे दिया जा रहे हैं बकौल ख़ान साहब के बकौल एफ बी आर के टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई रेवनीू नहीं है कोई सब्सिडी नहीं है कोई कुछ नहीं है ठीक है ना और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का माशाला तीसरा टन और मुसलसर पन चौदवा साल ये चल रहा है किस नज़र से देख रहे हैं तरक्याती कामों के हवाले से साफ़ पानी के हवाले से एजुकेशन के हवाले से हेल्थ के बारे में और ख़ास तौर पर ये किसी को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारे सीएम साहब को आसफ अली जरदारी साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इज्जत माफ चुनाव हमारे चेयरमैन साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नवाब बलारी साहब के साथ अलग सर वाल्मीला कैसे हैं सर ठीक है अमन अमन भाई सब खैरत शुक्र साहब आप ठीक हैं बिल्कुल सब खैरियत सर सबसे पहले पाकिस्तान का इस वक्त मेन इशू वो है महंगाई जी के जब से पी की हुकूमत आई है महंगाई का एक तूफान सफर पर भाई मैं नहीं कह रहा अवाम कह रही है सही है ठीक है गरीब आदमी के लिए दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फोटी सेवन से लेकर रवेव इकट्ठा हुआ ठीक अगर रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है तो हमें सब्सिडी क्यों नहीं देगी ख़ासतौर पर खाने पीने की अशा पे जो इस वक्त गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला है क्या कहेंगे इस सर जो ये पी टी आई की हुकूमत आई है उसमें सबसे बड़ी तो है महंगाई ठीक है नाम तो तकरीबन उन्होंने बहुत चीज़ बड़े बड़े बोले थे जो वादे किए थे वो भी तकरीबन बहुत बड़े थे ठीक है कि हम इतने घर देंगे और ये हम देंगे हम सामान दे। सस्ता करेंगे इतनी नौकरियाँ देंगे ये तो हर चीज़ उन्होंने बोली थी ठीक है लेकिन इनमें से हुआ कुछ नहीं और यहाँ सिंध में तो बल्कि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं वफा के तरफ से वो का भी अभी तक मसला वो भी है वो भी है लेकिन वफाक के तरफ से यहाँ सिंध में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है ठीक है बाकी जो हाँ जहाँ पीपल्स पार्टी का जो जो बंदे हैं मिनिस्टर वगैरह हैं अगर वहाँ पे भी अगर जो लोग बोलेंगे उनसे जाके मिलेंगे अगर काम वो कुछ बोलेंगे उनसे तो वो होता है अब ये हमारा गांव है एक ठीक है नवाब खान पालारी तो हमारे गांव में हमने पानी की भी गाँव आपके वाले साहब के तो नाम पे जी बिल्कुल नाम पे हैं। हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम यहाँ से अपनी दरख्वा लिख के ले गए अपने मिनिस्टर को बोला मलिकस्त सिकंदर को ठीक है इसके अलावा फिर हम चले गए वहाँ पे सी एम हाउस असम्बली चले गए वहाँ पे हमने दो पानी की लाइन भी अपनी मंजूर करवाई ठीक है हम गए वहाँ पे कुछ दो दोस्त ले गए साथ में ठीक है ऐसे उनको भी पता नहीं था कि क्या होगा जब हम जाके ख़ुद बोलेंगे तो ही काम होगा तो वो उन्होंने फिर हमें पानी की दो जो स्कीम वो भी दी हैं इसके अलावा फिर पानी साफ पानी की बिल्कुल वाटर सप्लाई है हमारे गांव में पूरे में भले कोई आके चेक भी कर सकता है ठीक है और इसके अलावा फिर हमारे गांव में वाहिद नूरियाबाद में हमारा ही गांव है जिसके अंदर गैस है माशा मतलब बहुत सारे गांव है यहाँ पे लेकिन गैस फिर हम लोगों ने जाके लिया है ठीक है मलक साहब से अनुसी ली इसके अलावा फिर सिंध गवर्नमेंट से जाके परमिशन ली है जो भी है फिर हम उस टाइम कामिली शाह थे उनसे जाके मेरे बड़े भाई मिल ये जाके उन्होंने ये सिस्टम सारा किया कुछ हमारे गांव के बंदे जो थे उनको साथ में लेके तो वो भी किया लेकिन हमारे गांव में तकरीबन एक रोड की हमें कमी है एक स्कूल की कमी है ठीक है हमारे बच्चे यहां से नूरियाबाद पढ़ने के लिए जाते हैं तो तकरीबन तकरीबन पंद्रह किलोमीटर है ठीक है सुबह जाते हैं तो मतलब कि नहीं है जो वो नहीं पढ़ सकते हैं आपके सर इस... वो नहीं पढ़ सकते।, हाँ, वो वो सकते भी नहीं जा सकते वो प्राइमरी तो ये मामलाते हैं बाकी गई जो महंगाई महंगाई तो जब तक ये हुकूमत रहेगी तब तक तो खत्म होने का कोई इम्कान ही नहीं है अब हुकूमत खत्म होने वाली भी है तकरीबन को साल डेढ़ भी नहीं बचा मेरे ख्याल में ऐसे ही है ना तो ये साल इलेक्शन का है अगला साल इलेक्शन का है अगर 5 साल पूरे करते हैं खान साहब तो, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई महंगाई कोई कम हो या उनकी कोई टीम सही नहीं है कोई मसले मसाइल जरूर हैं ये बिल्कुल सरदार희 साहब को चोर कहते था खान साहब नवाज शरीफ साहब को चोर कहता था करप्शन करप्शन होती थी लेकिन पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई है इस दफा पाकिस्तान 16वें नंबर पे आ गया करप्शन तो इसके दौर में ज्यादा हुई सर अब जरदारी की बात करते हो और नवाज शरीफ की बात करते हो ठीक है जरदारी और नवाज शरीफ को ये भले चोर कहें ठीक है लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी सही राइट गरीब को क्या होता है होती ही तकरीबन महंगाई है ये जो चीज़ें खाने पीने की वही तो इसी हुकूमत में महंगी हुई है और तो कुछ भी नहीं हुआ देखें 150 में इस चल रहे हैं पेट्रोल क्या हर चीज़ दाल चीनी आटा जो भी चीज़ है खाने पीने की जो भी इशाए हैं वो सबसे महंगी है ठीक है तो इस में ये तो मैं नहीं समझता हूँ जब से पाकिस्तान बना हालांकि ये तो अपनी कंटेनर की सियासत जब कर रहा था तो उस वक्त तो ये खान साहब कहते थे मैं आई के पास नहीं जाऊंगा नहीं सर अभी तो सारा इसके हवाले हो रहा जो भी बंदा ये जो भी उन्होंने काम किया तो है स्टेट बैंक चला गया ठीक है आई एम एफ की तरफ से चला गया तो वो चला गया मोटरवे भी चली गई सी पैक भी जा रहा है सारे गिरवी रखे जा रहे हैं ये सारे ये सारे गिरवी रखेंगे ये अगर इनका वो तो बिल भी पास हो गया अब तो सेनेट से भी पास हो गया वो तो चला गया स्टेट बैंक का वाले बात तो वो तो चली गई है लेकिन अगर कोई बंदा अच्छा आए ठीक है तो इस मसले को हल भी किया जा सकता है लेकिन अगर ऐसे हुक्मरान रहेंगे ऐसे जो मतलब है इधर उधर से बंदे करके इसने जमा करके जो हुकूमत बनाई है ना दस उधर तो पीपल्स पार्टी के हैं ठीक है बिल्कुल है, है। लोटेज बना हुआ है सारा नहीं बस वो अभी लोटे भी नहीं कह सकते उनको लेकिन आए कि हर बंदे का अपना ज़मीर होता है कोई यहाँ से जाएगा कोई वहाँ से जाएगा ये सियासत का असल में ये है अगर सियासत भुटो साहब वाली होती है ना बड़े वाली तो वो बेहतरीन होती उसका कुछ सिस्टम और था यहाँ पे कुछ और सिस्टम है यहाँ पे सिस्टम ये है कि भुटो साहब ने जो सियासत की थी वो ये थी कि उसने तेहतर का आयन भी दिया था ठीक है उसने बंदों को शहूर भी दिया था टेक्नोलॉजी भी लेके आए थे हर चीज़ उसने काम किए थे लेकिन ये इनमें कोई बात नहीं नज़र आ रही लेकिन जो बैंक स्टेट स्ट्रे, बैंक था बड़ा इस्लामी बैंक वो भी यहाँ बनने वाला था लेकिन उनको इन्होंने छोड़ा ही नहीं किया ठीक है तो और अगर और अगर हमारी इस्लामी मुल्क की करेंसी भी बन रही थी हर चीज़ बन रही थी सर, ये, सर ये अगर ये यूरो इनके सर ये अगर वो वो अगर हमारे यहाँ मुल्क में बन जाती तो हम मुसलमान मुल्क सारे एक यकमुश्ता होते तो ये अमेरिका में ना बनती यहाँ हमारे पास ही बनती और वो पैसा इधर ही खर्च होता ठीक है टैक्स भी हमें मिलता और तकरीबन मुसलमान मुल्क जो ना वो वहाँ नहीं जाती अमेरिका के पास नहीं जाती वो अपने मुसलमान मुल्क में ही जाते उनसे जाके मिलते उनसे ही जाके मदद लेते लेकिन अब मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है इसमें एक छोटा सा पैगाम है कि हमारी आर्मी अगर वो सही हो जाती है अगर वो अच्छे बंदे लाती है तो बेहतर है लेकिन मुल्क को चलाने के लिए चलाने के लिए ठीक है पर ये ऐसे इधर उधर से पकड़ के ये छांगा मांगा वाले बंदे बिठाएंगे तो फिर काम ऐसे ही चलेगा हालाँकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ देख रहे हैं कि महंगाई कितनी है, है? वजी अज़म हाउस में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई बल्कि मैं साफ़ी भाइयों से ये भी कह रहा था कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब भी कह बैठे हुए थे और ख़ान साहब ने स्टेटमेंट दी कि मुझे महंगाई का एहसास है अगर भाई आप महंगाई का एहसास है टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं टैक्स रेवन्यू जो है सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुआ है तो गरीब आवाम को कुछ सब्सिडी दे दो कुछ देखे ना नू ली कैटरोल में इस वक्त वन फोटी था घी अब वही घी आपको फोर ट्वेंटी में मिल रहा है, है कितना सारा फर्क पड़ गया बहुत बड़ा सर डबल 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 फर्क डबल फर्क डबल फर्क पड़ गया कितने परसेंट महंगाई में इजाफा हुआ तकरीबन तो मैं तो तो कहता हूँ तो हमारे इज्जत माफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बखूबी इस चीजों का इल्म है तो कम अज कम खान साहब को तो इतना ब्रीफ कर दें कि ये जो है ना इस सिस्टम को जरा कम करे गरीब आदमी को रिलीफ दे हम लोग किस लिए बैठे हैं हमारे बड़े तो वही है ना सर ये अगर गरीब को रिलीफ देंगे ना तो ये आगे चल पाएंगे अगर नहीं करेंगे तो ये पाँच साल निकाल लेंगे कोई मसला नहीं है लेकिन आगे तो फिर इनको कोई नहीं, को नहीं को, रहेगी अभी पित्या पित्याई, पित्याई के एमपीए जहां भी अपने हलकों में जाते हैं वहां मार खा के आ रहे हैं आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा बस ये है कि अगर गलत काम करेंगे अगर गलत बंदे का साथ देंगे अगर कोई सही काम नहीं करेंगे तो फिर ऐसे होगा ठीक है इनको भी चाहिए कि ये अपने हलकों में जाए और इमरान खान से जाके ये बोलें कि भाई ये एक प्रोग्राम था यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हाँ उसको तब्दील किया लेकिन ये उसको बदल नहीं कर सकते ठीक है भले वो अपने वो जो, जो मुतरमा का जो थाना था ना में दिल में जो हर लोगों के अंदर जज्बा है वो कोई नहीं निकाल सकता। वो निकाल कोई नहीं सकता तो इन्होंने ये जो, जो, जो ये जो इन्होंने नाम वो उन्होंने बदला है ठीक है नाम से कुछ नहीं होता है जो बेनजर कप सपोर्ट प्रोग्राम था उसमें तकरीबन मैं ख़ुद भी उसमें काम किया है मैंने सर्वे किया है ठीक है तो यहाँ की थाना बुला खान की सर्वे में मैं खुद था तो तकरीबन ये यहाँ नहीं था जो काफ़ का था या नूर लीग का बंदा था, था हम उसको भी कार्ड बना के देते थे और उसकी सर्वे करते थे कि भाई ये सबको पैसे मिलने चाहिए, चाहिए ये जो जो हकदार है उसको मिलना चाहिए उसमें ये नहीं था लेकिन अब जब इन्होंने नाम चेंज किया है ना तो मेरे ख्याल में ये कार्ड तो मिलने की बात हो रहा है लेकिन पैसे मिलना ही बंद हो गए फलारी साहब मैं कहता हूँ बल्कि हमारे सहाफी जितने भी भाई हैं वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैध सियासी जमात है जिसने पूरी दुनिया में कुर्बानी दी बिल्कुल पूरी मा... दुनिया में कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने इतनी कुर्बानियां दी हो जिसका पूरा का पूरा कराना ही जो है ना शादों से भरा पड़ा सर भुटो साहब को फांसी दे दी गई पहला काम और उसका बेटा था सर शाहनवास शाहनवास भुटो शाहनवाज भुटो उसको भी मुर्तूस को भी यहाँ कराची में मारा गया उसको उन्होंने मार दिया यहाँ पे कराची में ही ठीक है फिर मोहतरमा का उसको भी देखो इस तरीके से खानदान तो खत्म उसका खानदान पूरा ख़त्म हो गया ठीक है फिर उसके बाद आया था जब जरदारी आया तो चलो उसने फिर चलो लोग कुछ भी कहते थे उसको कुछ भी कहते थे हम कुछ नहीं कहते भले कोई क्या भी कहता है लेकिन हम ये कहते हैं कि महंगाई उसने नहीं की ना नवाज शरीफ ने की महंगाई उन्होंने नहीं की बिल्कुल चलो अब महंगाई करेंगे उन्होंने बहुत अच्छी नौकरियाँ भी आपने दी आपने उन्होंने तो। और महंगाई नहीं की ये बातें जो है वो कर्ज़ा लेते थे तो चलो वो कर्ज़ा होता था यार ये कर्ज़ा है ये हमने देना है हमने हुकूमत ने देना है लेकिन ये आवाम के ऊपर बोझ नहीं डाल रहे थे इन्होंने डायरेक्ट ही अवाम के ऊपर डाला है वैसे ठीक है ना तो ये काम वो है थोड़ा इस हुकूमत में और लास्ट पे पलारी साहब पाँच फरवरी के आज एक हमारे लिए बहुत दिन है जिसे हम ब्लैक डे भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है कश्मीर के लिए फोर्टी सेवन से लेके आज तक हमारी वहाँ पे माओ बहनों की स्थितें लूटी गई वहाँ पर पत्नी कितनी जान शहीद हुई हम कश्मीरी भाई शाना बशाना साथ खड़े हैं क्या कहेंगे इसके बारे में सर कश्मीरी जो हैं वो बहुत अहमत वाले बंदे हैं मेहनत वाले बंदे हैं और बेहतरीन लोग हैं ठीक है और वो हमारे मुसलमान भाई हैं वो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं ठीक है इसके अलावा ये भी है कि जो अपना कश्मीरी हैं अब उनका मसला भी हल होना चाहिए ठीक है मुतदा नहीं करती सलामती नहीं करती हालांकि इन दोनों को करना चाहिए ठीक है खान साहब सर उन दोनों को मैं कहता हूँ जनाब बल्कि कई लोग तो कहते हैं खान साहब ने कश्मीर को बेच दिया ये चीज़ें भी मैंने फजल रहमान साहब ग्यारह साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे उन्होंने कुछ नहीं किया आज कल शहर यार साहब हैं जनाब अली इस वक्त जो चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के ये सारे सिलसिले रहे लेकिन कश्मीर के लिए अभी तक किसी ने कोई बात सर कश्मीरियों के लिए ये है कि बस कश्मीर भी एक बात पे मार खा रहा है ठीक है कश्मीर इस बात पे मार खा रहा है कि उसके जो लोग हैं उनके ऊपर जुलम हो रहा है कश्मीरी एक जो बात कर रहे हैं ना वो थोड़ी सी समझ से बाहर है अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान ठीक है वो अब जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारे साथ ही है ऐसे ही है ना सर बिल्कुल तो जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारे साथ ही है तो हम उनके साथ हैं वहाँ हर चीज़ सिस्टम अपनी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के साथ ही होता है लेकिन कुछ कश्मीरी बीच में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि यार कश्मीर बनेगा आज़ाद हमारा मुल्क ठीक है तो हाँ पहले पहले कुछ तो कुछ मेरी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हाँ कुछ ये सिस्टम भी है हाँ। तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी आर्मी या कोई हमारे इदारे फिर वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे वहाँ पे ठीक है और वो कुछ इंडिया वाले वो भी इस तरीके से ही हैं ठीक है तो इंडिया वाले भी यही कहते हैं कि भाई ये कहते हैं कि भाई हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे वो कहता है हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे अलग अलग मुल्क जो बनना है अला करें इनका ये काम बेहतर हो जाए लेकिन ये कश्मीर भले बाद में अपना ले जाएं अपने अलग जाके रहें लेकिन उसके लिए भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है पहले तो अपनी ये अपने जानों को महफूज़ करें अपनी इज़्ज़तों को महफूज करें इस अपने पाकिस्तानी हुकूमत से जाके मिलें अपने बंदों से मिलें अवा मुतदा में जाएं इनके पास जाएं इनके ऊपर ज़ोर डालें कि भाई हमारी जान छुड़ाओ उनसे ठीक है इनको एक अलग या तो फिर इंडिया और पाकिस्तान को दोनों के से अलग होना पड़ेगा कि इनको वो उनको आज़ादी दे ये उनको आज़ादी दे तो जाके ये आज़ाद हो ठीक है कुछ कश्मीरी ये कहते हैं कि अभी हमारा आज़ाद पाकिस्तान वो अपना बनेगा कश्मीर तो ये बात कुछ इंडिया वालों को सही नहीं लगती कुछ पाकिस्तान वालों को सही लगती ठीक है अगर ये मेरे ख्याल में ये अगर खुद ही बोल दें कि भई अब हम अलग ही रहना चाहते हैं और हमें किसी न किसी तरीके से आप आज़ाद करो तो फिर ये लोग आज़ाद भी हो जाएंगे और ये अच्छे तरीके से अपने मुल्क को भी चला लेंगे लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे मुसलमान भाई ये हमारे साथ ही आ जाएं भले इनका सूबा अलग हो इस सूबा बना लें अपना उसमें ये है कि इनकी इज़्ज़तें महफूज बच जाएंगी जब बंदे की इज़्ज़त नहीं रहती है तो कुछ नहीं रहता बिल्कुल ठीक है तो, तो पहली चीज़ होती है इज़्ज़त और हमारा इस्लाम में दीन ये दीन इज्जत ये मेन चीज़ें हमारी पहले हम ये कहेंगे कि नहीं यार हम अपना मुल्क बनाए तो मुल्क बनाने के लिए भी बहुत कुछ करना, बहुत कुछ करना बहुत पड़ता है और तो मुश्किल वो हालात नहीं रहे पहले वाले जो हालात होते थे उस टाइम क्योंकि इंडिया वालों को भी थोड़ा सा था कि हम जो ना हल्का हाथ रखें पाकिस्तान वाला भी हल्के हाथ रखते थे अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और मुल्क दुश्मन हमारे इतने हैं बटनों की गेम हो गई है अब बटनों की गेम हो गई है और जो दूसरे मुल्क हैं वो कहते हैं कि भाई अब यह है कि इनको अलग होने देना इनको इकट्ठे नहीं होने देना लेकिन हमें इंडिया के साथ भी नहीं लड़ना चाहिए उसके साथ भी भाईचारा अपना हमसाय मुल्क है हमें उनके साथ भी रहना चाहिए और इनको भी उनको भी अला हिदायत दे कि मुसलमानों के ऊपर रहम करें लेकिन मैं आपको एक वाज पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी के बंदे रहते हैं तो मेरे ख्याल में जितनी हम सपोर्ट उनकी पाकिस्तानी करते हैं जी, पूरे पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में कोई इतनी उनकी नहीं करता होगा इंडिया के जो बंदे हैं ठीक है तो जो यहाँ हमारे पास है हम उनको इतनी इज्जत देते हैं हमारे पास अकेले तो मिनिस्टर हैं आप जाके सिंध असेंबली में देख लो ठीक है ज्ञान चंद हो गया डॉक्टर दयाराम हो गया मोहन लाल हो गया बहुत सारे हैं तकरीबन ऐसे के चालीस पचास है अच्छा फिर हर इलाके में हर उस जो अपना मिनिस्टर है या जो भी बंदा अपना है वो उनकी सपोर्ट करता है आसाजारी से लेके जो भी बंदा है सदर से लेके वो भी उनकी बड़ी इज्जत करता है right. ठीक है exactly. तो हमारा हम मेहमान नवाज लोग हैं Mission. और हम सुध में तो तकरीबन हमारा ये है कि हम हमने सबको अपने साथ मिला के रखा right. हुआ है उनकी इज्जतें भी महफूज हैं वो खुद भी महफूज हैं कोई उनसे लड़ता भी है कोई बात भी करता है तो इन पहले हम आ जाते हैं कि भाई इनसे आप नहीं लड़ो ठीक है तो ये इंडिया वालों को भी इतना सोचना चाहिए कि अगर हम गैर मुस्लिम को इतनी इज्जत देते हैं ठीक है तो यहाँ पे, पे वहाँ पे, पे भी, पे भी पे हमारे तो मुसलमानों के लिए कश्मीरियों के लिए तो इनको ये थोड़ा सा अच्छा देनी होना देनी चाहिए मेहरबानी थैंक यू सर ओके आज ये थे लेकर नवाब पलारी साहब और मैं आपको एक बात बताता जाऊँ मई सर गाँव में बैठा हूँ ये इनके वाला साहब के नाम पे है जिनका नाम नवाब पलारी साहब है और ख़ास तौर पे एक चीज़ का जिक्र करता जाऊँ मैं क्योंकि यहाँ पे ये खिदमत एक अलग का जज्बा मैंने पीछे हॉस्पिटल देखा है जहाँ पे लेकिन डॉक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थी और डॉक्टर्स भी मौजूद थे इन्होंने तौर तो पर मेडिकल स्टोर भी वहाँ पे बनाया हुआ है इस कोर्ट की सहूलत के लिए कि जितने भी यहाँ पे गरीब आवाम हैं वो वहाँ पे ट्रीटमेंट अपना करवा सकें कुछ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाते हैं बल्कि पलारी साहब जहाँ से उनके लिए खाना भी भिजवाते हैं पिक एंड ड्रॉप की भी सहूलत दी हुई है और ये सबसे बड़ी पलारी साहब की जो है ना ख़िदमत खलक है जो कि अपने लोगों के लिए ये कर रहे हैं कि मैं इसलिए जिक्र करना चाहता था कि पहले मेरे दिल में था कि मैं इनसे पूछूं लेकिन मैंने इनसे पूछना नहीं समझा क्योंकि मैं खुद बताना चाहता था इसलिए कि ये खिदमत खलग का जज्बा है अगर हमारे यहाँ इसी तरह खिदमत खलक का जज्बा रहा और हमारे गोठों को जो वडेरे हैं ख़ास तौर तो पर ये काम करते रहे तो इन शाला तला हमारा सिंध ये हमारा पाकिस्तान इसको कोई तरक्की से नहीं रोक सकेगा और जितने भी हमारे अपने वडेरे हैं हमारे उनसे गुजारिश हैं जो गोठों के मालिक हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं जिनसे लोग अपने मसायल हल करवाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये कुछ गरीब अवाम है ये भी आपकी अपनी अवाम है इनसे भी मोहब्बत करें इनसे भी प्यार करें जैसे फिलारी साहब का मैं बड़ा कि उन्होंने हमें अपने कीमती टाइम से भी नवाज़ा और खास तौर पर जो खिदमत खल का जज्बा देख के मैं इससे बड़ा मुतासर हुआ हूँ कैमरा मैन जवेद के साथ डॉक्टर नवी सहमत भाई कितने खुश लग रहे हैं ना मेरी पसंद है कैसे खुश नहीं होगा तुम्हारे लिए भी लड़की देखना शुरू कर दी भाभी <coughs> चाय और बिस्कुट की चोरी है कमाल अम्मी हुजूर चांदी जैन के दिल का हाल हाँ अम्मी वो अ, मेरी भी एक चॉइस है नाम क्या है अम्मी फिर खुल के पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि खुलकर बात तो चाय और बिस्कुट पर होती है अब के हर पैक के साथ मिले बिस्कॉनी चाय वाला बिस्कुट तो करो खुलकर बात चाय बिस्कुट के साथ